दोस्तों एक बहुत प्यारी कविता आई थे अभी वे थे आप तो मैं सुनना छू उम्मीद से आपने जरूर पसंद आली ली सुना एक नई गढ़वाली कविता चे ये लॉकडाउन के दौरान या बिल्कुल फिट बैठनेगी तो ये वजह से मैं आपने ये कविता सुनना छूँ आप सुना प्लीज अगर आप ते अच्छी लगली तो जरूर शेयर करिए तीन मई अपड़ी बही तीन मई अपड़ी घर घरमा रही कखी ना जाई तीन मई एपड़ी बही घर में रही कखी न जई खेई पेई और श्ययू रही खई और औरयू रही पर तू भैर कते न जाई पर तू भैर कते न जा किताब पढ़ी गीत सुनी किताब पढ़ी किताब पढ़ी गीत सुनी या तो ऊन की स्वेटर बुनी चौकू चुल्हू तू करदू रही चौकू चुल्हू तू कर दी रही झाड़ू पोछा में वक्त बिताई पर तू भैर कते न जा पर तू भैर कतें ना जाय रिश्तेदारों ते फोन मिलाई रिश्तेदारों ते रिश्तेदारों ते फोन मिलाई दोस्त यारों ते याद दिलाई रिश्तेदारों ते फोन मिलई दोस्त यारों ते याद दिलाई सेवा सौंली सबूतें दू रही राजी खुशी तो की पूछनी रही पर तू भैर कतें ना जाई पर तू भैर कतें ना जाई गरीब छह गरीब रही गरीब छ गरीब छतः गरीब रही झोली जंगरू छँचेड़ू खाई गरीब छत गरीब ही रही झोली जंगरू छँछेड़ू खाई लोग ते माँ देण काला तू कैमा मांगण न जई तू कैमा मांगण न जई पर तू भैर कते न जई पर तू भैर कते न जाई अंधियारा का बाद उजालो आलो अंधियारा का बाद अंधियारा का बाद उजालो आलो नयों सूरज तब जगमगा अंधियारा का बाद उजालो आलो लो सूरज तब जगमगा लो बचा रौला त तो मेहनत करला बच्या रौला बचा रौला त तो मेहनत करला बात अपना बच्चों ते बिंगाई पर तू भैर कते न जाई पर तू भैर कते न जाई पर तू भैर कते न जाई जय हिंद